नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल इंडस्टेक इंडिया पर। दोस्तों, इस चैनल पर हम ऑटोमोटिव पेंट्स एंड कोटिंग से रिलेटेड बेसिक एंड टेक्निकल कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले मेन टॉपिक्स को देख लेते हैं। टॉपिक्स कुछ इस प्रकार है: इंट्रोडक्शन, फॉस्फेटिंग प्रोसेस, सेवन टैंक प्रोसेस क्या होते हैं, इलेक्ट्रो डिपोजिशन कोटिंग्स CED, पाउडर कोटिंग्स क्या होता है, ABS पेंटिंग प्रोसेस क्या होती है, स्पेसिफिकेशंस एंड टेस्टिंग। दोस्तों, इन सभी मेन टॉपिक को समझने से पहले हम इस वीडियो में सबसे पहले इंट्रोडक्शन के अंदर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के डेवलपमेंट हिस्ट्री को देखेंगे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने डिफरेंट टाइप ऑफ चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके कैसे खुद को डेवलप किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन के अंदर हम हिस्ट्रिक डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट जर्नी ऑफ ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव कोटिंग्स लेयर एंड देयर थिकनेसेस पे हम बात करेंगे। कार पेंटिंग इंडस्ट्री में 20वीं सदी से लेकर आज तक मटेरियल के माध्यम से इनक्रेडिबल चेंजेस हुए हैं। मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी की जनरल प्रोग्रेस के बाद प्रोसेस डेवलपमेंट हुआ। अर्ली कोटिंग प्रोसेस मतलब 20वीं सदी के फर्स्ट हाफ में एयर ड्राइंग पेंट्स का यूज करते थे, जिसमें सभी लेयर्स में सैंडिंग एंड पॉलिशिंग करनी होती थी, जिसको पूरा होने के लिए 1 वीक का टाइम लगता था। सभी कोटिंग स्टेप्स को मैन्युअली एग्जीक्यूट किया गया था। इफिशियंट प्रोसेस और बेहतर डेवलपमेंट के पीछे डिफरेंट ड्राइविंग फोर्सेस ने पिछले 100 वर्षों में एक ड्रामेटिक चेंजेस लाए। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए फास्टर क्योरिंग पेंट्स की आवश्यकता होती है, बेटर परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ कोरोजन और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कलर, बेटर रिलायबिलिटी के लिए पूरी तरह से ऑटोमेटेड प्रोसेस की आवश्यकता होती है। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन के लिए 1940 के दशक के दौरान नई कोटिंग, फास्टर ड्राइंग एंड क्योरिंग की आवश्यकता थी, जिसका रिजल्ट इनेमल पेंट्स था। साथ ही उसकी लिमिटेड अवेलेबिलिटी की वजह से पेंट के मैन्युफैक्चरिंग में यूज किए जाने वाले नेचुरल रॉ मटेरियल को सिंथेटिक केमिकल्स का स्थान लेना पड़ा। कार बॉडी की कोटिंग प्रोसेस को एक दिन कम किया जा सके, इसके लिए सभी आवश्यक प्रिपरेशन टाइम जैसे क्लीनिंग, सैंडिंग, रिपेयरिंग आदि को किया गया। अब हम देखेंगे कोटिंग लेयर्स को कितना रिड्यूस किया गया और सभी लेयर्स का क्या काम था। नंबर्स ऑफ कोटिंग्स को 4 या 5 लेयर तक रिड्यूस किया गया। इन लेयर्स का काम प्राइमर्स के लिए कोरोजन प्रोटेक्शन और प्राइमर सरफेसर के लिए स्मूथनेस एंड चिप रेजिस्टेंस का था, और फाइनल टॉप कोट के लिए इन लेयर्स का काम वेदर रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए किया गया। 1950 के दशक में प्राइमर अप्लीकेशन की प्रोसेस डीप कोटिंग में बदल गई, जो एक अधिक ऑटोमेटेड प्रोसेस थी। विस्फोट और आग के खतरों ने ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर को वाटरबोर्न पेंट या इलेक्ट्रो डिपोजिशन पेंट बनाने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद 1960 के दशक के अंत में बनाया गया। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे मैनुअल पेंटिंग से लेकर ऑटोमेटेड प्रोसेस होने तक का इम्प्रूवमेंट जर्नी कैसी है। 1920 से लेकर 2000 तक में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने एक अपने आप में चेंजेस कर करके, इम्प्रूवमेंट करके खुद को ऑटोमेटेड प्रोसेस में खुद को स्टेबलाइज किया। इसमें हम देख सकते हैं कि जो एस्पेक्ट्स है, जिसमें 1920 में मैनुअल पेंटिंग होती थी, जिसमें 1 वीक का टाइम लगता था, इसमें टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस जो भी थी प्रोसेस उसमें टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा था। फिर इसको इम्प्रूव करके इनेमल पेंट को डेवलप किया गया और इस पूरे 1 वीक के प्रोसेस को एक दिन में कन्वर्ट किया गया। तो ऐसे ही ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने खुद को इम्प्रूवमेंट करके एक मैनुअल से ऑटोमेटेड प्रोसेस होने तक का इतना टाइम लगाया, जो आज की डेट में हमें ऑटोमेटेड प्रोसेस बहुत ही इजीली हम कर पाते हैं। अब हम कोटिंग लेयर और उसकी थिकनेस और उसके पर्पज़ को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस, और जो सेकंड प्रोसेस होता है वो CED कोटिंग होती है, और उसके बाद से प्राइमर कोटिंग,
फिर बेस कोट, फिर टॉप कोट। इसमें जो प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस होता है वो मोस्टली सरफेस प्रिपरेशन के लिए करते हैं, जो पेंट एडेशन बॉन्डिंग को इम्प्रूव करने के लिए और कोरोजन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस होता है प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस। प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस को ही हम फॉस्फेटिंग प्रोसेस बोलते हैं, या फिर हम इसको सेवन टैंक प्रोसेस भी बोलते हैं। जो CAD कोटिंग होती है ये कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन होता है। इसमें मटेरियल को, जो हमारी पेंटिंग के पार्ट होते हैं, उसको टैंक के अंदर डीप करके और करंट और वोल्टेज के थ्रू उस पर कोटिंग की जाती है, जिसको हम CAD कोटिंग बोलते हैं, कैथोडिक इलेक्ट्रो डिपोजिशन। इसका मेन यूज जो होता है वो होता है कोरोजन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करने के लिए। फिर जो अगला जो पेंटिंग का प्रोसेस आता है उसमें तीन आते हैं, प्राइमर कोटिंग, बेस कोट एंड टॉप कोट। टॉप कोट को हम क्लियर कोट भी बोल सकते हैं। प्राइमर कोटिंग में हमें पार्ट पे पेंट की एडेशन को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं, और बेस कोट जो होता है वो हमारा कलर सेट प्रोवाइड करता है, विजुअल इम्प्रूवमेंट करता है। और जो क्लियर कोटिंग होती है उसमें हमें यूवी रेजिस्टेंस से हमें प्रोटेक्शन मिलता है, और ग्लॉस एंड हार्डनेस के लिए इम्प्रूवमेंट मिलती है। तो ये हमारे कोटिंग लेयर हैं और इनकी थिकनेस है और ये इनके पर्पज हैं। थिकनेस को एज पर रिक्वायरमेंट रखते हैं, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से हम थिकनेस को मेंटेन करके रखते हैं। जो DFT होती है वो ड्राई फिल्म थिकनेस होती है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही डीपली बात करेंगे और सभी प्रोसेस को हम बहुत ही डीपली देखेंगे कि प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में कौन कौन से टैंक होते हैं, प्री ट्रीटमेंट प्रोसेस में हमें कौन कौन से केमिकल यूज करने चाहिए, प्री ट्रीटमेंट को टेस्ट करने के लिए, टाइट्रेशन करने के लिए, उसके प्रोसेस पैरामीटर को मॉनिटरिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, और CAD कोटिंग में हमें कैसे करना चाहिए। इन सारे प्रोसेस को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल इंडस्टेक इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में कोई वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या फिर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट्स या फिर आपके क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।